हैं लखनऊ में ब्रिज क्षेत्र विकास परिषद की मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रखे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली है ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक ली है। जैसा कि हम आपको बता रखे हैं कि ब्रिज क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण मीटिंग हो जाती है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, 10 दिसंबर 2023 को अपने सरकारी आवास पर ब्रिज तीर्थ क्षेत्र को लेकर ये मीटिंग करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली में मशहूर दरगाह आला हजरत के 3 दिवसीय उर्से रजवी के मौके पर उलेमा ने मुसलमानों के मुद्दे पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया। उसे आला हजरत के पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलेमा की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने की और इस मुद्दे पर चर्चा की गई और कहा गया मुसलमानों के लिए भी आरक्षण लिया जाए। जिस तरह से SC ST को आरक्षण दिया गया है, उसी आर्थिक आधार पर मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए। तमाम हुकूमतों से जहां जहां राज्य में हुकूमतें हैं उनसे कहा है कि जहां जहां भी जितनी भी मुस्लिम आबादी है उस मुस्लिम आबादी के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। इसलिए माशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, आर्थिक तौर पर वो बहुत तंग है, गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। तालीमी मैदान में भी और इक्तसादियात आर्थिक मैदान में भी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ SC ST को और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। और कानपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर चर्च के अंदर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। आरोप है कि प्रार्थना सभा के दौरान लोगों को रुपए का लालच और नौकरी का झांसा देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मामला स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का है। एक अरवल रावत नामक लड़के ने एक तहरीर दिया है कि मुझे जो है एक डैनियल है, आनंद डैनियल, जो कि लालच देके मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा। उन्होंने इस संबंध में तहरीर दिया था, जहाँ पे आज बेना झावर चर्च में इनकी प्रार्थना सभा चल रही थी। दोनों पक्षों को बुलाया गया, तहरीर ली गई है, जांच किया जा रहा है। जांच के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा।